त्वा ब्रवीमि ते। सभी के द्वारा वंदनीय जो भगवान श्री गोविंद हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करके पिताजी कह रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। क्या बोले? राम कृष्ण गोविंद माधव श्री पते, ये जो भगवान के पवित्र नाम हैं, इन पवित्र नामों का कीर्तन करके खूब नाचो और खूब रो, खूब गाओ, इससे बढ़िया बात और कोई दूसरी नहीं। आलिंग तनयम प्राह सुणु बालहितम बचा राम गोविंद कृष्णेति विष्णो माधव श्रीपते एवं वदन्ति ये सर्वे ते पुत्र मम वैरिणः। ये सुनकर के हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे क्या बोलता है? राम कृष्ण गोविंद माधव श्रीपति, इन नामों को लेने वाले को तो मैं अपना प्रबल शत्रु समझता हूं। तुम मेरे पुत्र हो, ये तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी कैसे? प्रहलाद जी फिर बोले, नृसिंह पुराण का संवाद है। प्रहलाद जी फिर बोले, बोले पिताजी आपको तो भगवान का नाम सुन के ही जलन होने लगी, आप तो भगवान की निंदा कर रहे हैं, तो ये पाप तो ऐसा है कि ये पाप का कोई प्रायश्चित ही नहीं है, फिर भी आपको पूछना चाहिए कि प्रायश्चित है बताओ। तो इस पाप का भी प्रायश्चित यही है, कृष्ण निंदा समुत्थस्य अगस्यांतो न विद्यते, कृष्ण निंदा से उत्पन्न पाप का कोई अंत नहीं है, उसका अंत यदि कोई करना चाहता है तो उसका भी साधन यही है, राम माधव कृष्णेति स्मर भक्त्यात्म शुद्धये। श्री राम कृष्ण माधव, इन पवित्र नामों का स्मरण करो, भक्ति पूर्वक इनका स्मरण करो आत्मशुद्धि के लिए। हिरण्यकश्यप ने कहा, रे तू कह क्या रहा है? हमारी बात तो सुनता नहीं, अपनी बके चला जा रहा है, तू कह क्या रहा है? प्रहलाद जी बोले, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, बके नहीं जा रहा हूं, बहुत विचार पूर्वक कह रहा हूं। यद्यपि शास्त्रों में लिखा है अपने से बड़ों को उपदेश नहीं देना चाहिए, गुरुजनों को उपदेश नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी गुरुवे पिब्रुमेतद् यतो हितकरं परम, अपने पूज्य जन भी यदि दुर्भाग्य से पथभ्रष्ट हो रहे हों तो छोटे लोगों को भी विनम्रता पूर्वक उनको सच्ची बात और हितकारी बात कह देनी चाहिए। पिता को शास्त्रों में गुरुतुल्य कहा गया, आप गुरुतुल्य हैं, हम आपका आदर करते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि खराब हो गई है, इसलिए हम बहुत विनय पूर्वक कहते हैं कि पिताजी भगवान की शरण होकर भगवान के नामों का कीर्तन कीजिए। इस बार तो हिरण्यकश्यपु नाराज नहीं हुआ, हंसा, वो हंस करके उसने कहा कि अरे देखो तो सही, बच्चे कितने भोले भाले होते हैं, कोई गीत कहीं रिकॉर्ड में बजने लग गया, उस गीत का गीतकार तो नहीं समझते हैं, पर छोटे बच्चे गीत कंठस्थ कर लेते हैं, उसी गीत को गाने लग जाते हैं, उनको नहीं, वो नहीं समझ पाते कि गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए। देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जिनके घरों में कथा कीर्तन का वातावरण नहीं, सिनेमा के गीत गाए जाते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे उन्हीं को याद कर लेते हैं, उनका अर्थ उनको मालूम नहीं है और सुन सुन करके याद कर लेते हैं, उनको ये भी संकोच नहीं रहता कि हमको इसको किसके सामने गाना चाहिए किसके सामने नहीं, वो जानते नहीं, वो अर्थ ही नहीं समझते हैं, वो तो केवल सुन करके गाने लग जाते हैं। तो देखो ये बालक है, इसने कहीं से सुन लिया होगा और सुन करके सीख लिया होगा। श्रुत्वा पुत्र गुरो दैत्यः परपक्ष समाहिता जहास बुद्धिर बालानां भिद्यते परबुद्धिभिः। ऐ बुद्धों, बालकों की बुद्धि भोली होती है, जल्दी बहक जाती है,
और संडामर्क से बोले कि देखो अच्छा हुआ तुम जो साथ चले आए, बोल पट्टी खुल गई। तुम्हारे यहाँ प्रच्छन्न भाव से छिप करके विष्णु के पक्षपाती वैष्णव आते होंगे, साधु महात्मा आते होंगे, और वो साधु महात्मा भगवान की चर्चा करते होंगे, विष्णु की चर्चा करते होंगे। और ये भोला भाला बालक है, कुशाग्र बुद्धि का है, ये श्लोक वहीं से इसने कंठस्थ कर लिया होगा, हमने पूछा तो इसने सब सुना दिया। देखो ले जाओ इसको, अब तक तो ये महल से पढ़ने जाता था, अब ये महल में नहीं आएगा, अब ये वहीं रहेगा तुम्हारे विद्यालय में। 24 घंटे ध्यान रखना इस पर, इसकी बुद्धि अब बिगड़ने न पावे, ठीक से देखरेख करो। प्रहलाद जी ने तो बड़ा सुंदर उपदेश दिया था, उन्हें पता था कि मेरे पिताजी वैष्णव नहीं हैं, अवैष्णव हैं, इनके आचार विचार खान पान सब अशुद्ध है, तो दया आ गई प्रहलाद जी को, इसलिए प्रहलाद जी ने उनको अच्छी बात बताई। देखो अपने से बड़ों का कैसे आदर करना चाहिए, ये बात प्रहलाद जी से सीखना चाहिए। महाराज जी विष्णु पुराण में लिखा है कि जिस समय प्रहलाद जी अपने पिता के पास गए, उस समय पिता मदरा पान कर रहा था हिरण्यकश्यप, स्पष्ट लिखा है विष्णु पुराण में, पानासक्तस्य पुरुतः पितुर्दैत्यपतेस्तथा, भरे दरबार में अपने बेटे के सामने मदरा पी रहा था हिरण्यकश्यप, और ऐसे पिता के चरणों में भी सिर रखकर प्रणाम किया, पिता के दोष को उन्होंने नहीं देखा, हे शराबी कबाबी को क्या प्रणाम करना, नहीं कुछ भी हो ये जैसे हैं वैसे हैं, पर मेरे शरीर के पिता हैं, मेरे शरीर के पिता होने के कारण मेरे द्वारा प्रणाम के योग्य हैं, हमें प्रणाम कर। ये है भक्त का व्यवहार ऐसा होना चाहिए।